Telangana and in Hyderabad. He met the NSUI activist in Chanchalgoda jail also. How you see, sir, Congress trying to gain ground here in Telangana? देखिए, कोई भी तेलंगाना को आ सकता है और तेलंगाना की खूबसूरती देखकर जा सकता है, इस पर कोई एतराज़ नहीं है हमारे को। मगर उन्होंने जो आए और उनको पता ही नहीं है कि क्या भाषण देना है, उनका एक वीडियो मीडिया में आया है कि वो पूछ रहे हैं कि बताइए क्या बोलना चाहिए। तो जब आपको ये नहीं मालूम कि तेलंगाना की जनता को आप क्या पैगाम देना चाह रहे हैं और क्यों आपका साथ दें, आप बिल्कुल, जहन आपका एम्प्टी है। आप क्या मैसेज देंगे, क्या पैगाम देंगे और कैसे टीआरएस से मुकाबला कर पाएंगे आप? और दूसरा ये है कि कांग्रेस बिल्कुल जीएचएमसी में वाइप आउट हो चुकी है, जहां पर 24 असेंबली सीट्स है। तो ठीक है, आए, अच्छा आते रहिए। टीआरएस को चैलेंज करने नहीं, वो बीजेपी को भी चैलेंज करने हैं और आपको भी चैलेंज करने हैं। अरे हम तो बोल रहे हैं कि आप नेक्स्ट टाइम जो है आप बजाय अब तो वायनाड भी हार जाएंगे, आप आ जाइए हैदराबाद, सिकंदराबाद लड़ लीजिए, किस्मत आजमाइए। आपने कहा या चलिए आप मेदक लड़ लीजिए, आइए ना, किस्मत आजमाइए। గౌరవ ముఖ్యమంత్రి చాలా